हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं देहरादून से जो है रितु यादव, ऑफिसर रितु यादव, जिनके चैनल का नाम है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी 2 जुलाई को और आज 20 जुलाई है। उनके हस्बैंड की डेथ को 18 डेज हो चुके हैं और 4 नवंबर को उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके, ये मैं उन व्यूअर्स को बता रही हूँ जो न्यू है चैनल पे, उनका एक्सीडेंट हुआ था 4 नवंबर को, जिसमें उनके सर में काफ़ी चोट आई थी। सर में चोट आने के बाद वो कई दिन तक वेंटिलेटर पर भी रखे गए थे और सर्जरी होने के बाद उनका जो था शरीर पैरालाइज हो गया था, बोल नहीं पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। रितु यादव ने, जहाँ तक हमने देखा कि रितु यादव ने अपने हस्बैंड की बहुत सेवा की, बहुत ध्यान रखा, एक बच्चे की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे को छाती से लगा के रखती है, उसकी बच्चा बोल नहीं पाता है लेकिन माँ सब कुछ समझ जाती है, तो उसी तरह से रितु ने भी अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सेवा की है। और रितु ने नहीं, रितु का लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया है। जब रितु को अपने हस्बैंड को देहरादून से दिल्ली लेकर जाना था तो लोगों ने उनकी एक दिन में 50,000 रुपये की हेल्प कर दी थी, ऐसा वो बताती हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा आए हों या उससे कम आए हों, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनके अकाउंट में आए हैं तो वो बता सकती हैं कितने पैसे आए हैं। तो आजकल रितु यादव का कहना है कि आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे चैनल को शेयर को सब्सक्राइब को सपोर्ट करो। लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इतना लोग सपोर्ट करते नहीं हैं जितना रितु कर रहे हैं। तो वहीं रितु यादव आजकल एक कंट्रोवर्सी में भी घिर चुकी हैं, क्योंकि उनकी बातों में से ही बात निकल के आती हैं और लोग जो है ना वो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, जो लोग उनको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं। तो रितु यादव ने अपने मुंह से बोला था कि मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, मैं ज़िंदगी भर बैठ के खा सकती हूँ। तो और अब रितु यादव ने बोला है कि मेरे ऊपर 3 से 4 लाख रुपए का, मतलब काफ़ी कर, 3-4 लाख नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि मेरे ऊपर काफ़ी कर्जा है जो मुझे उतारना है और मैंने इन्हीं हाथों से लिया है तो मुझे इन्हीं हाथों से देना है। बहुत अच्छी बात है, किसी के पैसे नहीं मारने चाहिए। अगर आपने किसी से उधार लिया है, बुरे वक्त में अगर कोई आपके साथ खड़ा हुआ है तो आपको अपने अच्छे वक्त में उनको पैसे देने चाहिए। रितु यादव ने तब बोला है कि उनके बच्चों की 4 से 5 महीने की फ़ीस पेंडिंग पड़ी हुई है हस्बैंड की तबीयत की वजह से, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, काफ़ी पैसा उनके ऊपर लग गया था और वो बच्चों की फ़ीस नहीं भर पाई थी। दूसरी तरफ उनका अपना घर है, उनके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब थी जो जिसकी पेंशन भी आती होगी। कुछ लोग कहना है कि उनके ससुर की भी पेंशन आती है, मुझे नहीं पता कि उनके ससुर क्या काम करते थे, किस चीज़ की पेंशन आती है, लेकिन हाँ अगर उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब है तो पक्का पता था कि गवर्नमेंट जॉब पर तो उनकी पेंशन ज़रूर आती होगी। और उन्होंने ये भी बोला था एक वीडियो में कि वो अपने हस्बैंड का जो इलाज है ना उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया है, क्योंकि अगर उनके पास, उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए होते तो शायद मैं अपने हस्बैंड को बचा लेती प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा के, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ है तो शायद इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया, उस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो मैं उस बात पर कहना चाहूँगी रितु यादव जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जान लेना और जान देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। अगर आपके हस्बैंड को ठीक होना होता तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो जाते, अगर उनके हस्बैंड को ठीक नहीं होना होता तो चाहे आप 2 या 3 करोड़ रुपये लगा देते जब भी सही ना होता, सही नहीं होते, क्योंकि ये सब कुछ जान देना और जान लेना ऊपर वाले के हाथ में है। देखो ये बात बुरा मानने वाली बात नहीं है, उनकी डेथ तो उसी टाइम पर हो गई थी जिस टाइम पर उनका 4 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ था, वो बस आप लोगों के ऊपर उनका कर्जा था जो वो उतार रहे थे। एक पुरानी भाषा में लोग, जो बूढ़े लोग थे उनका कहावत है कि आदमी के जितने सांस पूरे नहीं होते हैं इतना उसके ऊपर जो भी आपका कर्जा रहता है वो लेकर जाता है, और सांस लेने और सांस देना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। उनकी लिखा था 8 महीने कि आप उनकी सेवा करो और 8 महीने उनके नसीब में दुख लिखा था कि वो ये सब कुछ दुख झेलें। उनके अंदर क्या बीतरी है, उन पर क्या होती, वो नहीं बोल पाते थे क्योंकि वो पैरालाइज हो चुके थे, लेकिन उनके ऊपर जो बीतती थी ना वो सिर्फ वही बंदा जान सकता है जिसके ऊपर बीतरी होती है। तो मैं ये जो रितु के ऊपर बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ भी लिखी गई हैं रितु को कमेंट में कि ये सब ड्रामे बंद कर, कुछ प्रॉब्लम है तो अपने घर सोल्व कर, यहाँ पर बहुत ही गंदे गंदे वर्ड बोले गए हैं जो मैं यूट्यूब पर बोल भी नहीं सकती,
तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, और कुछ लोग जो हैं जो रितु जी को पैसे ट्रांसफ़र भी करते हैं, वो साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी डाल देते हैं कि मैंने इतने पैसे ट्रांसफ़र किए, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जिनको लगता है कि रितु पैसे मांग रही है। मुझे नहीं पता वो पैसे मांग रही है नहीं मांग रही है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि वो पैसों को नहीं मांग रही आप लोगों से, वो चाहती है कि आप उसे उसकी वीडियो को देखें, उसको मॉरल सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। एक मॉरल सपोर्ट होता है ना, फैमिली वाला सपोर्ट, वो सपोर्ट चाहिए उसे मेरे ख्याल से आप लोगों से। मुझे लगता नहीं कि उसको पैसे चाहिए, उसको चाहिए कि एक मॉरल सपोर्ट हो साथ में खड़े होने वाला, ताकि आप उसकी वीडियो को देखें, उसके चैनल पर व्यू जाएंगे तो डॉलर आएंगे, पैसे आएंगे, और उसके ऊपर जो भी कर्जा है वो देगी, वो अच्छी बात है, वो चुकाना चाहती है मेरे ख्याल से। उसका सिर्फ इतना वो है कि वो अपनी पैसे जो है, जो उसके ऊपर कर्जा है 100%, देखो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, खर्चा तो आता ही है। हो सकता है कि प्राइवेट उनका कार्ड चलता था, मेरे फादर भी गवर्नमेंट है, पुलिस में है, तो मुझे पता है कि पुलिस वालों के जो ना कार्ड चलते हैं, तो उस पर ना ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल फ्री होता है, उस पर ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर हमारा मान लो कि इको हमारा 1500 में होता है, तो उस कार्ड के हिसाब से ना वो हमें उस पर छूट मिल जाती है, और वो 1500 की जगह 500 में ऐसे हो जाता है, मतलब बहुत सारी छूट मिल जाती है। ये नहीं होता कि सब कुछ फ्री में होता है, बस थोड़ी छूट मिलती है। और उनके हस्बैंड 8 महीने बीमार रहे हैं, उसमें दवाइयों का खर्चा भी होगा, उनके फल फ्रूट का खर्चा भी होगा, आने ले जाने का खर्चा भी होगा, तो देखो पैसे तो उनके खर्च हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कंडीशन आज उन पे है, कल किसी घर पे भी आ सकती है। पैसे तो उन पे खर्च हुए हैं, उनके हस्बैंड पे पैसे लगे भी हैं बहुत, और जहाँ तक मैं उनको समझ पाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों से पैसे मांग रही हैं, वो सिर्फ आप लोगों से एक मॉरल सपोर्ट मांग रही हैं कि उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि वो यूट्यूब के जरिए अपना जो उनका जो भी कर्जा है उनके ऊपर, जो भी उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ हैं, वो उन्हें ख़त्म कर सकें। और भी उनके बहुत सारे कहते हैं कि पार्लर, वो कहते हैं कि पार्लर खोलूँगी, घर बैठ के काम ही चलेगा। ये बात ठीक है, घर बैठ के काम ही चलेगा, बाहर उन्हें निकलना पड़ेगा। और एक का कमेंट आया था कि पति के मरने के 18 दिन बाद ही अपनी असली औकात दिखा दी, आगे कटोरा लेके भीख मांगने। तो भाई मैं देखो, सब लोगों की सोच अलग अलग होती है, मैं इस सोच को मानती हूँ कि वो कटोरा लेके भीख मांगने नहीं आई है, वो आप लोगों से मॉरल सपोर्ट मांग रही है। उसने ये ही कहा कि आप, मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूँ और आप मुझे पेटीएम करो या मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करो। उसने बोला है कि आप मुझे मॉरल सपोर्ट करो, मुझे आपके मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आदमी जब टूट जाता है ना, तो उसको मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है। और आगे सब आप लोगों की सोच, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपनी सोच के साथ चलते हैं, किसी सोच को बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं फिर भी वीडियो को एंड करते समय यही बोलना चाहूँगी कि किसी को इतना गलत मत बोलो। जहाँ तक आपने बोला चलो ठीक है, लेकिन इतनी गंदी गंदी गाली आप यूट्यूब पर लिख के जा रहे हो कमेंट में, उनके लिए गलत बात है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा करने के बारे में भी मत सोचो। अगर आपको उनकी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप मत देखो। अगर आपको लगता है कि वो ड्रामा कर रही है तो मत देखो। अरे सबकी अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग, पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और हम क्या देख रहे हैं, सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। अगर कहीं ना कहीं देखो मुझे भी लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि वो गलत है, उसने अपनी औकात दिखा दी, ये कर दी, वो कर दी, तो कमेंट मत करो, इतने गंदे गंदे कमेंट मत करो। मतलब कमेंटों की हद होगी, इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो, गाली लिख लिख के कमेंट कर रहे हो, तो गलत बात है। तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें पता है रितु का, तुम जानते हो, तुम्हें सच्चाई पता है, और तुम उसके बावजूद ही कमेंट कर रहे हो, तो मत करो। अपनी बात अपने मन में रखो, जरूरी नहीं अपनी बातों से किसी को दुख मत पहुंचाओ। पता नहीं वो अंदर से क्या सोच रही है, क्या कर रही है, वो उसे पता है, लेकिन मैं आपसे कहूँ आप गलत मत बनो, आप ऐसे गंदी गंदी गालियाँ मत लिखो कमेंट में। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं फिर आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है 2 दिन से फिर से।